के सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि आज जो है 12 फरवरी है। 12 फरवरी को आप लोगों ने सीजीपीएससी प्रीलिम्स भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिया है। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स भर्ती परीक्षा जो 210 पदों पर हो रहा है, भर्ती परीक्षा का कट ऑफ जो है कितना जाएगा, कितने नंबर में आपका जो है सिलेक्शन होगा और किस तरीके से प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई आपने कर लिया है तो किस तरीके से आप जो है मेंस की तैयारी कर सकते हैं, मेंस के बाद आपका जो है इंटरव्यूज वगैरह होगा, आगे की हर एक जानकारी बताऊंगा। देखिए, आप कभी भी ये मत सोचना कि अगर मैंने सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया तो अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस आपको कभी भी नहीं लाना है कि हाँ अरे यार मैं तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया तो मेंस क्या, हम इंटरव्यू क्या, ऐसे ना अपने आप पर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास मत लाना, कॉन्फिडेंस रखना लेकिन ओवर स्मार्ट ज़्यादा मत बनना। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स 210 पदों पर जो भर्ती हुआ है और कटअप जो है कितना जाएगा। कैटेगरी वाइज आपको मैं कटअप बताऊँगा कि जनरल का कितना होगा, ओबीसी का कितना, एससी का कितना और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का कटअप जो है कितना कितना जाने वाला है और क्वेश्चन जो है इस बार किस तरीके से पूछे गए थे। आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले बार के क्वेश्चन जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूरा कूट वाला प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि पिछले बार का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो आपके पूरे के पूरे जो है यूपीएससी लेवल का आया था। बहुत ही ज़्यादा हर में एक एक करके कथन टाइप का बहुत ही ज़्यादा, जिसके वजह से पिछले वर्ष जो जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ था और क्वेश्चन बहुत ही टफ आया था, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है आपके आरक्षण मामले की वजह से। लेकिन अब आपको मैं बताना चाहता हूँ सीजीपीएससी प्रीलिम्स 210 पदों पर भर्ती के बारे में। तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आपका जो है दो पेपर होते हैं, एक पेपर वन और दूसरा होता है आपका पेपर टू। आपको सभी चीज़ों को जो है अच्छे से फॉलो करना होता है, सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होता है। और जो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने गए हैं और जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया और सिर्फ तुक्का लगाकर आ गए होंगे, होता है ना कि हमारा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया, हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और सीजीपीएससी एग्ज़ाम्स देने के लिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के लिए हम एलिजिबल हैं, क्वालिफाई हैं करके सभी फॉर्म फिलअप कर देते हैं, लेकिन वो सभी क्वेश्चन को जाकर तुक्का मार देते हैं, तो ऐसे में आपका सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। आप ज़रा इस बात पर सोचा कीजिए कि देखिए पोस्ट जो है 210 पोस्ट हैं और स्टूडेंट की बात करें तो 1.5 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म फिलअप किया, तो 1.5 लाख स्टूडेंट में सिर्फ 210 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाएगा। हर साल जो है यूपीएससी में तकरीबन 10 लाख एग्ज़ाम्स फॉर्म फिलअप करते हैं, 10 लाख स्टूडेंट में सिर्फ और सिर्फ कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, 10 लाख स्टूडेंट में सिर्फ और सिर्फ अगर सभी हम यूपीएससी के पूरा पोस्ट की बात करें तो सिर्फ 600 से 700 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है 10 लाख में। तो इतना ज़्यादा हायर एजुकेशन हायर कॉम्पिटिशन जो है बढ़ गया है। तो आपको मैं ये चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि आपका कॉम्पिटिशन किसी से भी नहीं है। आप कभी भी ये मत सोचना कि 5 लाख 10 लाख या सीजीपीएससी प्रीलिम्स में 1.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया तो 1.5 लाख कैंडिडेट 1.5 लाख स्टूडेंट के बीच में मेरा कॉम्पिटिशन है, ऐसा कभी भी मत सोचना। 1.5 लाख स्टूडेंट के बीच में आपका कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं है। आपका कॉम्पिटिशन है तो आपका खुद से है, अपने आप से आपको जो है अपने आप से कंपटीशन करने, किसी और से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार भी आपने सीजीपीएससी प्रीलिम्स भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स आपने अच्छे से दिया है और आपने यदि एग्ज़ाम्स को अगर आपका अगर इस बार एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई नहीं होता फिर भी अपने आप को कम मत समझना, अपने आप पर भरोसा ज़रूर करना। देखिए हर बार आपको कामयाबी मिल जाए एक ही बार में, हर बार आपको एक ही बार में सफलता मिल जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप में से काफ़ी स्टूडेंट को तो लगता होगा कि आज तक हमें एक भी एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हुए, पहली से लेकर 12th तक के चाहे कॉलेज में हम कभी भी फ़ेल नहीं हुए। तो देखिए अगर आपको ज़िंदगी में कभी असफलता नहीं मिली तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़िंदगी में कभी कामयाबी मिल पाएगा, इसलिए असफलता का भी होना ज़रूरी होता है, आपको असफलता से सीखना होता है, असफलता आपको बहुत कुछ सिखा देता है। आपको असफलता को नेगेटिव वे में नहीं लेना है, आपको असफलता को जो है पॉजिटिव वे में लेना है ताकि आपको आगे कोई भी मिस्टेक कोई भी गलती आपको जो है बिल्कुल भी नहीं करना है जो गलती आप लोग करते हैं। तो इस बार जिनका सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाता है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जिनका किसी कारणवश अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता आप अगली बार के लिए फिर से मेहनत कर सकते हैं। वैसे भी हर साल सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स आयोजित किया जाता है, हर साल जो है कंडक्ट कराया जाता है। इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप अगली बार के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो पाए।
तो इसी तरह से एक के बाद एक आप लोगों के लिए मैं नई नई वीडियोस लेकर आता रहूँगा। बस भी पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए। और जहाँ तक अगर हम बात करें कि कट ऑफ का, तो कट ऑफ इस बार का कट ऑफ जो है बिल्कुल ही हाई जाने वाला है। कट ऑफ जो है कम जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। कट ऑफ जो है आपका हाई ही जाएगा, ज़्यादा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ईजी क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। इस बार का क्वेश्चन उतना टफ भी नहीं था, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो पाता। क्वेश्चन इस बार का आसान है, तो आप जो अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो 210 पदों पर CGPSC प्रीलिम्स भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम जो हुआ है, तो आप सभी स्टूडेंट अगर अच्छे से मेहनत किया, अच्छे से एग्ज़ाम की स्टडी की है, प्रिपरेशन किया है, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा। और देखिए, कामयाबी सफलता किसी एक दिन का मोहताज नहीं होता। कामयाबी सफलता आपको एक दिन में मिल जाए ये बिल्कुल भी नहीं होता। आपको कामयाबी सफलता को पाने के लिए हर दिन मेहनत करना होता है, हर दिन हार्डवर्क आपको करना होता है। उसी जज्बे के साथ, उसी जोश जुनून के साथ आपको मेहनत करना होता है, तब जाकर कहीं आपको सफलता मिलता है। तो सफलता के लिए भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। आप में वो सब्र, वो चीज़ें होनी चाहिए। जिसके पास सब्र है उसे मंजिल ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा। तो CGPSC प्रीलिम्स में जिनका भी अगर नंबर कितना कितना आ रहा है, आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। और आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, मैं आप रिप्लाई कर दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़, अगर वीडियोस अच्छा लगा हो, वीडियोस अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस जो आप लोगों को मिलते रहेंगे। बस अच्छे से एग्ज़ाम्स की स्टडी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, फोकस कीजिए, देन आपका सिलेक्शन भी अवश्य रूप से हो पाएगा। कामयाबी आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको उस कामयाबी को पाने के लिए, उस शोहरत को पाने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, फिर आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, और इसी तरह से एक के बाद एक जो है नई नई वैकेंसी आते जाएंगे, नई नई भर्तियाँ। सफलता आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिल पाएगा। बस उस कामयाबी को, उस सफलता को पाने के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। यदि आप इंतज़ार कर सकते हैं तो आपको सफलता जो है अवश्य रूप से मिल पाएगा। अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते तो आपको सफलता जो है किसी भी प्रकार से मिल नहीं पाएगा।